हम हाजिर हैं कक्षा चार के बच्चों को लेकर के। कक्षा चार के बच्चों को लेकर, इसके पहले आपने वीडियो देखा रहा होगा जिसमें हम लोगों ने बात किया था कक्षा पांच के बच्चों से। और कक्षा पांच के बच्चों ने हम लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया भारत के सभी 28 राज्यों और 22 भाषाओं के नाम। वीडियो देखा था आप लोगों ने भी? यस सर। और सामने वाले लोग जो देख रहे हैं वो लोग भी देखे होंगे कास्ट। अगर नहीं देखे हो तो मैं इसमें लिंक दे दूंगा, आप जरूर देखिएगा और बताइए हमारे कक्षा पांच के बच्चों ने कैसा परफॉर्मेंस दिया। आज हम कक्षा चार के बच्चों से पूछने वाले हैं, और ये जो कि प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं, सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं ये बच्चे, और जैसा कि अफवाह उड़ाई जाती है सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है, सरकारी विद्यालय के बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं होते हैं, तो आप दिखाएंगे कि हम कैसे हैं। तैयार हैं आप? यस सर। वेरी गुड। तो हम बात करने के लिए सबसे पहले नीरज के पास आते हैं। क्यों, आपका नाम नीरज ही तो है? यस सर। जी नीरज, आप मुझे बताएंगे कि भारत के सभी 28 राज्यों के नाम? यस सर। याद है आपको? यस सर। जी बिल्कुल सुनाइए। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मणिपुर, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पंजाब, तेलंगाना, सिक्किम। बहुत बढ़िया, एक राज्य आपने छोड़ा है स्टार्टिंग में। यस सर। कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, अब जाके कंप्लीट हुआ आपके 28 राज्य। यस सर। बहुत बढ़िया। आपको 22 भाषाओं के नाम भी आते हैं? यस सर। जो संविधान में वर्णित 22 भाषाएं याद है अच्छे से आपको? यस सर। आप मुझे बताएंगे केरल की भाषा क्या है? मलयालम। मलयालम, तो बहुत बढ़िया भाई आप बता रहे हैं। अच्छा मुझे 22 भाषाओं का नाम बता ही दीजिए आप। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, मैथिली, संथाल। बहुत बढ़िया, शानदार। भाई साहब को दीजिए। आपका नाम क्या है भाई? सनी। सनी देवल। सनी, सनी चौहान। क्या नाम है इनका? सनी चौहान। जानते हैं इनको आप लोग? जी। आप को 22 भाषाओं के नाम याद है क्या? यस सर। संविधान में 22 भाषाओं का नाम है ना? Yes, वो पता है आपको? यस सर। ये सुना दीजिए जरा। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। अरे वाह, शानदार भाई। आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश से सटे राज्य कौन कौन है? जी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। बहुत बढ़िया, शानदार। भाई साहब को दीजिए। क्या नाम है आपका? निकलेश। इनका कुछ और नाम आप लोग बताते हैं? क्या नाम है? पट्टू। मरवन अटा पट्टू, श्रीलंका के क्रिकेट के खिलाड़ी हुआ करते थे पहले, तो ये पट्टू हैं। जी पट्टू जी, आपको 22 भाषाओं का नाम याद है? सुना दीजिए। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बहुत बढ़िया, शानदार। भाई साहब को दीजिए। आप मुझे बताइए भारत के पश्चिम तट पे क्या है, कौन सा सागर है पश्चिम तट पे? सागर। अरब सागर। जी, अरब सागर से सटे हुए भारत के कौन कौन से राज्य हैं उनका नाम बताइए आप। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। पश्चिम तटीय राज्यों के नाम? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। जी, आप मुझे बताएं सेवन सिस्टर राज्यों के नाम। मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। जी आपके नाम क्या है? अमरेश। अमरेश गुप्ता। बहुत लंबे चौड़े हैं अमरेश ना, इनकी लंबाई बहुत हो गई बड़ी। क्यों अमरेश, 22 भाषाओं के नाम आते हैं आपको? बता देंगे? बहुत मुस्कुरा रहे हैं। सुनाइए सुनाइए। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। क्या बात है भाई। आप हमको बताइए भारत के 28 राज्यों के नाम। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पंजाब, तेलंगाना, सिक्किम। बहुत बढ़िया, शानदार। आपका नाम ब्यूटी है? यस सर। यही आपकी ड्यूटी है कि आप सही सही बताएं।
कि उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों के नाम क्या है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। सेवन सिस्टर राज्यों के नाम क्या है? मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा। पश्चिम तटीय राज्यों का नाम क्या? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। जी, पूर्वी तटीय राज्यों का नाम बताइए। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। जी बिल्कुल। 22 भाषाओं का नाम बताइए। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। इनको देखिए जी, आपको 22 भाषाओं के नाम याद है? यस। सुना दीजिए। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। वाह बहुत बढ़िया। सेवन सिस्टर राज्यों के नाम याद है आपको? Yes. जी बताइए। मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा। बहुत बढ़िया। अच्छा बताइए, भारत के पूरब में कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? अरब सागर। अरब सागर। अच्छा, उत्तर प्रदेश की राजधानी बताइए। लखनऊ। और मध्य प्रदेश की राजधानी? देहरादून। मध्य प्रदेश की देहरादून तो नहीं, वो तो उत्तराखंड की देहरादून। मध्य प्रदेश की राजधानी बताइए। चलिए कोई बात नहीं, इनको दे दीजिए। जी आप मध्य प्रदेश की राजधानी बताइए। भोपाल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप मुझे भारत के सभी राज्यों के नाम बता दीजिए। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पंजाब, तेलंगाना, सिक्किम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप मुझे बताइए कि गुजरात की राजधानी कहाँ है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर। बहुत शानदार, क्लैपिंग। वाह, आपका नाम धीरज है। धीरज, धैर्य से बताइए कि भारत के संविधान में विदित 22 भाषाओं का नाम। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली। वाह क्या बात। क्या आपका नाम सूरज है? यस सर। अच्छा, आप मुझे बताएंगे 22 भाषाओं के नाम? यस सर। बता दीजिए। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, बोडो, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। चलिए, आप कोशिश कर रहे हैं, आप स्कूल आते ही नहीं डेली हैं। आपको बुलाने के लिए हम लोग दो दो बार गए आपके घर, तब तो आप आए पढ़ने के लिए। डेली आएंगे तो सही से याद हो जाएगा। रोज आया करिए स्कूल, है ना। चलिए दे दीजिए भाई साहब को। हाँ भाई साहब, क्या नाम है? पंकज। पंकज जानते हैं किसका पर्यायवाची है? कमल। अरे वाह, ताली बजाओ भाई। पंकज कमल का पर्यायवाची है। पंकज, हमको बताएं भारत के सभी राज्यों के नाम। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पंजाब, तेलंगाना, सिक्किम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग। भाई साहब को दे दीजिए। जी आपका नाम? अनमोल। अनमोल रतन, आप 22 भाषाओं के नाम बता दीजिए। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये रहे हमारे कक्षा 4 के बच्चे। इन्होंने बिल्कुल कोशिश की कि हम अच्छे से अच्छा सुनाएं, और इनकी कोशिश आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इन बच्चों के साथ मिलेंगे, कक्षा 3 के बच्चे होंगे, और यही परफॉर्मेंस हम उनका देखेंगे कि वे कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो ये हमारे कक्षा 4 के बच्चों की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा बच्चों के लिए।